नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश में एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव चल रहा है, तो दूसरी तरफ एमपी से भी राम भक्तों के लिए खुशखबरी मिलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की नई सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण को अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। मध्य प्रदेश में नए सीएम मोहन यादव ने सत्ता संभाल ली है और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ मोहन यादव पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो शिवराज की योजनाओं को किनारे लगा देंगे, तो वहीं मोहन यादव एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान 16 सालों से नहीं कर पाए। हालांकि इसका ऐलान सालों पहले किया जा चुका था, लेकिन किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया और अब मोहन यादव उस फैसले पर एक्शन लेने वाले हैं। एमपी के तमाम स्थलों को जोड़ने के लिए प्रारूप और न्यास बनाए गए, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस फैसले पर मंगलवार को पहली बार प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राम वन गमन पथ के विकास को लेकर बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि चित्रकूट सहित राम वन गमन पथ मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों के विकास पर जोर दिया जाएगा। वहीं चित्रकूट का विकास अयोध्या की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाकर उसे पूरे तरीके से लागू किया जाएगा। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवंबर 2007 में भगवान राम के एमपी से गुजरने वाले रास्ते को तय करने के लिए राम वन गमन पथ बनाने का ऐलान किया था, लेकिन 16 साल से ये योजना फाइलों में ही अटकी रही। 2018 में बीजेपी ने चुनाव से पहले इसे लेकर इतनी गंभीरता दिखाई कि बजट में 10,000 रुपए की भारी भरकम राशि का जिक्र किया गया और आवंटन कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में राम वन गमन पथ बनाने की घोषणा की थी और 56 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी, लेकिन आज जमीनी हालात कुछ और है। लेकिन एमपी के सीएम मोहन यादव ने इस वादे को पूरा करने का फैसला लिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि अयोध्या की तरह ही चित्रकूट का विकास करके इसे भगवान राम के जीवन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। विद्वानों के परामर्श से राम वन गमन पथ के प्रमुख स्थलों का विकास किया जाएगा। चित्रकूट के दिवाली मेले, अमावस्या मेले में राम कथा, राम के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी एवं राम वन गमन पथ से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की जाएगी। भगवान कामतानाथ के परिक्रमा पथ का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जिला पर्यटन सर्वधन परिषद को सक्रिय कर चित्रकूट में पर्यटन गतिविधियां को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राम वन पथ गमन मार्ग यूपी के अयोध्या से चित्रकूट हुए एमपी में प्रवेश कर गया है। इसका समापन छत्तीसगढ़ के कोरिया में होता है, इसीलिए एमपी सरकार सिर्फ राज्य के अंदर वाले क्षेत्र में इस मार्ग का निर्माण करेगा। भगवान श्री राम की वन गमन यात्रा उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि अयोध्या से शुरू होकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौनसाम्बी होते हुए चित्रकूट तक आ रही है। इसी पथ को ही राम वन गमन मार्ग कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 177 किलोमीटर है। राम वन गमन मार्ग के इस हिस्से को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय बना रहा है। इसको पूरी तरह से तैयार करने में 3500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी बीता है और लोकसभा का चुनाव दहलीज पर खड़ा है, इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर राम का सहारा लिया जा रहा है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को इवेंट की तरह बीजेपी पेश कर रही है, उसी तरीके से एमपी में राम वन गमन पथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।